तरह के क्वेश्चन है कि इस गिवन नंबर्स में क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता और उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वहाँ हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। और जहाँ पे ये पूछा जाता है कि क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें तो वहाँ फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट विच इट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, सिक्स डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट ये 6 × 9 लिखेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 9,99,999। तो इसी का हम स्क्वायर रूट लेंगे। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, अब 99 में जो टेबल जाएगा वो जाएगा 88 × 99 = 81। डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81, अब 9 का डबल 18। नेक्स्ट डिजिट, यहाँ पे भी फिर 9 टाइम ही जाएगा तो 9 यहाँ पे और 9, 9, 9 = 81 कैरी 8, 9, 8 = 72 और 8, 80 कैरी 8, 9, 1 = 9 और 8, 17। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 9 और 1, अब 99 का डबल 198, 99 का डबल 198, 9 टाइम ही जाएगा ये भी। और नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 99 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनता है 179, 17901। 9 का मल्टीप्लाई 1989 से करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने पे नंबर आएगा 89 और ये 18 में से 9, 9 यहाँ 8 रह जाएगा 1। तो देखिए वो नंबर होगा, नंबर इज इक्वल टू, नंबर जो होगा वो होगा, यानी आपको जो ग्रेटेस्ट नंबर है सिक्स डिजिट का उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। देखिए तो और इसको माइनस करेंगे 1998 तो ये नंबर आएगा 998001। तो ये सिक्स डिजिट का नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर है जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो उसमें हमें कुछ ऐड करना होता है और ग्रेटेस्ट नंबर में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है, और सब्ट्रैक्ट वो करेंगे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो सिक्स डिजिट में से ये नंबर माइनस कर देंगे तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया 57.1536 मीटर स्क्वायर। तो देखिए अगर किसी स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया है, उसकी साइड आपको निकालनी है, तो देखिए साइड जो होती है वो होती है एरिया का स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन नंबर 9, साइड जो होगी वो होगी अंडर रूट एरिया, ठीक है, या साइड ऑफ स्क्वायर अंडर रूट एरिया। तो साइड जो होगी वो हो जाएगी अंडर रूट 57.1536, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 15.15 57.1536
1536, तो पेयर बनाएंगे, इसमें जो टेबल जाएगा वो जाएगा 7 7 जा 49, ठीक है, 7 का डबल 14, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 8। अब डेसिमल से आगे जाना है तो डेसिमल 15, देखिए ये जाएगा 5 टाइम, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, यस, इसको सबट्रैक्ट किया तो 0, यहाँ से कैरी, कैरी 11 में से 2 है 9। अब नेक्स्ट पेयर 3 6, 75 का डबल होगा 1, 7.5 का डबल नहीं होगा, 75 का डबल होगा, डेसिमल केवल क्वेश्चन में और आंसर में आता है, बाकी पूरी प्रोसेस में कहीं डेसिमल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए 6 डिजिट किससे बनेगी, एक तो 4 जा से और दूसरी 6 जा से यूनिट, तो ये 6 से बनेगी, यहाँ पे 6 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 0 0 और 3 3, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9, तो साइड हो जाएगी 5.7.56 मीटर। देखिए वो स्क्वायर फील्ड जिसका एरिया इतना है उसकी साइड कितनी होगी, 7.56 मीटर। साइड कैसे निकालेंगे, एरिया का स्क्वायर रूट करके, ये केवल उसी फील्ड के लिए होता है जिसकी सेफ स्क्वायर में है, रेक्टेंगल वाले के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन विच इज मल्टीप्लाई, देखिए वो नंबर बताइए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 84.64 आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो 84.64, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आएगा, देखिए टेबल जाएगा 84 में 9 9 जा 81, क्या बचेगा 3, 9 का डबल 18 डेसिमल, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर 6 4, अब 2 जा से 4 बनेगी यूनिट, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, तो नंबर होगा वो नंबर इज इक्वल टू 9.2। अगर 9.2 को 9.2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए आपका जो नंबर बनेगा वो होगा 84.64। तो यही पूछा है, वो नंबर बताइए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 84.64 आ जाए, तो ये है 9.2। अब देखिए, ए जनरल विशेज टू ड्रॉ अप हिज 7500 सोल्जर फ्रॉम ए स्क्वायर आफ्टर ही फाउंड आउट दैट सम ऑफ देम लेफ्ट आउट, हाउ मैनी सोल्जर्स लेफ्ट आउट। देखिए ये आपने पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, एक जनरल है उसके पास 7500 सोल्जर्स हैं, वो उनको स्क्वायर में अरेंज करना चाहता है तो कितने सोल्जर रह जाएंगे, तो इसी का 75,000 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो यस 75 में जो टेबल जाएगा वो जाएगा 8 8 जा 64 11, सबट्रैक्ट होके 8 2 जा 16 0 0, तो यहाँ देखिए अगर 16 का टेबल 110 में गैस करते हैं तो 16 6 जा 96 जा सकता है, तो 6 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39 कैरी 3, 6 1 जा 3 और 6 1 जा 6 और 3 9, सबट्रैक्ट करेंगे
तो कैरी 4, 9 में से 9 0, यहाँ पे 0 हो गया, कैरी लिया 10 में से 9 1। तो लेफ्ट सोल्जर्स आएंगे, लेफ्ट 104, ये बच जाएंगे। यानी इसमें से इस नंबर में से हम 104 माइनस कर देंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी 104 सोल्जर एक्स्ट्रा रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 1.5 मीटर लैडर इज लेंड अगेंस्ट द वॉल, द लैडर रीच वॉल एट हाइट 4.4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। ठीक है, तो देखिए पिछली क्लास में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो उसी का ये क्वेश्चन है। ये ए बी और सी, ठीक है, तो ये है 5.5 मीटर और ये है 4.4 मीटर। तो लैडर, ये लैडर है ए बी ए सी, तो लैडर के फुट से, ये ए बी वॉल है, दीवार है, तो लैडर के फुट से वॉल की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो यहाँ पे होगा, देखिए ये होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी, चूँकि हमें बी सी निकालनी है, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल कर देंगे, ए सी कितना है 5.5 का स्क्वायर माइनस 4.4 का स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका जो स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 30.25, 5.5 का 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.25, माइनस 4.4 का करेंगे तो 19.36, और बी सी स्क्वायर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 10.89। ठीक है, और बी सी जो होगा वो होगा अंडर रूट 10.89, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10.89, इसमें जो टेबल जाएगा वो जाएगा 3 3 9, 1 सब्ट्रैक्ट हो गए, 3 का डबल 6, डेसिमल से आगे पैर जान लेना है आपको 8 9, तो इसमें 3 से 3 3 9 और 3 6 18, तो डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस होगी 3.3 मीटर। यानी लैडर के फुट से वॉल की जो डिस्टेंस होगी ये बी सी, ये 3.3 मीटर आएगी। फिर से देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम का ये क्वेश्चन है। एक लैडर है जिसे दीवार से लगाया गया, लैडर है ए सी, इसकी लेंथ है 5.5 और दीवार की किस हाइट तक लगती है 4.4 तक। तो लैडर के फुट से दीवार की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड पता होती हैं, तो इसमें पाइथागोरस यूज़ करते हैं। इसमें होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर होगा ए सी, ए बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी 5.5 है और बी ए बी 4.4 है, 5.5 का स्क्वायर होगा 30.25, 4.4 का स्क्वायर यानी इसको 4.4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.36, सब्ट्रैक्ट करने पे 10.89 आएगा, और बी सी जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा जो कि आएगा 3.3 मीटर। ओके, अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, देखिए एंड फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि स्क्वायर प्लॉट का एरिया दिया है और उसकी साइड आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 11, देखिए साइड किससे निकालेंगे, साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया। ठीक है,
और एरिया कितना है 101 कंप्लीट 1/400। ठीक है, और देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 404 इतना आएगा, इसका मल्टीप्लाई तो ये आएगा 40401/400। यानी आप इसको किस में कर देंगे, इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, 400 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो 40400 आएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 40401 आएगा। और जो साइड होगी, साइड इज इक्वल टू 40401/400। यानी आपको न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट लेना है और डिनोमिनेटर का भी, तो 40401 पहले इसका लेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, 2 का डबल 4 0 4। देखिए 1 टाइम भी करेंगे तो हम 41 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 4 ही है तो इसका यानी एक बार भी टेबल नहीं जाएगा तो ये हमारा आ चुका है पेयर। दूसरा पेयर भी लेना है एक साथ ही तो 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0, ये हो गए 1। अब यहाँ 1 से जाएगा 1401। तो देखिए न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट 200 बनाएगा और 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 2 जा 4 0। जब रिमाइंडर में एक पेयर बचता है तो एक 0 आ जाती है, तो साइड हो गई कितना 201/20। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 201 और डिनोमिनेटर का 20, तो ये हो जाएगा 10 कंप्लीट 10 टाइम जा सकता है 10 कम, इसको डिवाइड करेंगे 20 को, 201 को 20 से 10 कंप्लीट 1/20 20 10 जा 201। देखिए इतने मीटर ये साइड होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा नंबर जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको पहले आप चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, और साइड जो होगी वो तो एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, एरिया जो होता है साइड जो होती है वो एरिया का स्क्वायर रूट, यानी आपको न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट आएगा 201 और डिनोमिनेटर का आएगा 20। फिर इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में किया तो ये बन गया 10 कंप्लीट 1/20 मीटर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है ये, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, इसके साथ साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।